भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले सीएम 56 दिन का वर्किंग टाइम जो नायब सिंह सैनी जी को मिला है, जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, आज हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। हुड्डा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाएं। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम करेगी। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हमारी सभी 90 की 90 विधानसभाओं की चर्चा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और 2-4 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले सीएम 56 दिन का वर्किंग टाइम जो नायब सिंह सैनी जी को मिला है, जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है, आज हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। हुड्डा साहब को मैं कहना चाहता हूं कि वो बेधड़क होकर घर में सो जाएं। 8 तारीख का जब रिजल्ट आएगा तो जनता उनको सुलाने का काम करेगी। जैसे ही हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, हमारी सभी 90 की 90 विधानसभाओं की चर्चा हमारा केंद्रीय चुनाव समिति कर चुकी है और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जनप्रतिनिधि आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है और 2-4 दिन के अंदर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा।